वेरोनिका क्या तुम यहाँ पे हो? तो प्लीज मेरे सामने आओ। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग कैसे हो, क्योंकि मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के साथ ऐसे बातें कर रही हूँ। एंड बीच में बहुत सारे फेस्टिवल्स जा चुके हैं, आप लोगों ने काफी सारे डीएम्स किए हैं मुझे, मैंने देखा, मैंने इंस्टाग्राम पे भी देखा, ईमेल पे भी आप लोग बहुत सारे मैसेजेस कर रहे थे कि दी आप हॉरर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। एक्चुअली लास्ट टाइम में मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था उस टाइम, मतलब बिल्कुल वो ना अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि इससे पहले मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। मतलब आपको मैं कैसे समझाऊं, आई डोंट नो कि आप लोग बिलीव करोगे कि नहीं, बट मेरे लिए तो वो बहुत ज्यादा डरावना एक चीज था। तो लास्ट टाइम मैंने अपने चैनल पे यही रिचुअल किया था, एंड आप लोग मानोगे नहीं, मैं उसके बाद से ना कोई भी ऐसे हॉन्टेड वीडियोज मूवीज में कुछ भी नहीं देख रही हूँ, क्योंकि मुझे इतना ज्यादा डर लगा था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने फिर से हिम्मत जुटा के आज मैं फिर से इस वीडियो को करने वाली हूँ। तो अगर आपने मेरा ये वेरोनिका वाला रिचुअल नहीं देखा है तो मैं आई बटन पे डाल दूंगी, आप देख सकते हो वहां से। सच में गाइस वो बहुत ज्यादा डरावना था, क्योंकि लास्ट टाइम ना मैंने जो शूट किया था, पता नहीं ये कैमरा कैसे ऑफ हो गया था। मैं बहुत साल से इस कैमरा को यूज कर रही हूँ, आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कैमरा चलते चलते ऐसे ऑफ हो गया और जो फाइल था वो भी कोरप्टेड हो गया था। अगर आपको वेरोनिका के बारे में कुछ भी नहीं पता तो मैं फिर से आपको इस वीडियो में थोड़ा सा बताऊंगी। ऐसे इंटरनेट पे मेंशन है यहाँ पे, द मोस्ट डेंजरस गेम इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ी जो बात है, इस गेम को ना अकेले ही खेला जाता है, मतलब दो तीन लोग मिलके आप इसको गेम को खेल ही नहीं सकते। और साइट पे ऐसा मेंशन है कि इस गेम को ना पहले स्पेन में ही खेला गया था, और वेरोनिका की कहानी बिल्कुल सच है। आज से कई साल पहले वेरोनिका नाम की एक टीनेज गर्ल थी जिसको सुपर नेचुरल गेम खेलना बहुत ज्यादा पसंद थी। वो अक्सर ऐसे गेम्स खेलती थी, रिचुअल्स करती थी, जहाँ पे वो दूसरी दुनिया से आत्माओं के साथ बात करने की कोशिश करती थी। ऐसा सुनने को मिलता है कि वेरोनिका एक दिन वीजा बोर्ड टाइप का या फिर प्लानचेट टाइप का ऐसा कुछ गेम खेल रही थी सुपर नेचुरल, जहाँ पे वो आत्माओं के साथ बातें कर रही थी। तो तभी उसने उस स्पिरिट का ना डिसरेस्पेक्ट कर दिया, तो इस वजह से वो जो स्पिरिट था वो स्पिरिट पूरी तरीके से उसके पीछे पड़ गई। उसको अक्सर ऐसा लगता था कि कोई उसको देख रहा है और कोई उसके घर पे उसके साथ रह रही है। ऐसे कुछ दिनों तक चलता रहा, फिर कुछ दिन बाद उस स्पिरिट ने, उस आत्मा ने वेरोनिका की जान ले ली। और तब से ऐसा माना जाता है कि अगर कोई भी रात के, मतलब मिडनाइट के टाइम पे वेरोनिका का नाम लेता है मिरर के सामने, मिरर के उस पार से बाहर आ जाती है, और जिसने भी उसको समन किया है उसकी लाइफ को पूरी तरीके से नरक बना सकता है। तो मैं आपको अभी ये बताती हूँ कि इस गेम को खेलने के लिए आपको क्या क्या चाहिए। आपको एक बड़ा सा मिरर चाहिए, अ क्लॉक वॉच और अदर टाइम कीपर डिवाइस, और अ क्वाइट रूम, कैंडल एंड मचेस और अ लाइटर, ओके, अ सेंस ऑफ रिस्पेक्ट, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब इस गेम को खेलते टाइम अगर किसी भी तरीके से मैंने वेरोनिका को डिसरेस्पेक्ट कर दिया तो वो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। मैं ना आपको और एक स्टोरी बताती हूँ जो यहाँ पे मेंशन है, कि वेरोनिका जब उस गेम को खेल रही थी, उस रिचुअल को कर रही थी, उस टाइम ना उसके पास ऐसे दो सीजर्स थे, और स्पिरिट से बातें करते वक्त उसने एक सीजर को लेके अपने थ्रॉट पे ऐसे मार दिया था। तो मैं यहाँ पे सब कुछ लेके एकदम रेडी हूँ। तो मैंने अभी अभी इस साइट पे देखा, पता नहीं उस दिन मेरे से मिस हो गया था कि नहीं, यहाँ पे ना ऐसा लिखा हुआ है कि वेरोनिका के नाम को समन करने के बाद अगर किसी भी तरीके से कैंडल बुझ जाती है तो तुरंत लाइट्स को ऑन कर देना है, खिड़की को खोल देना है, एंड उस रूम से भाग जाना है। तो अभी टाइम हो रहा है बिल्कुल 1:10, और मुझे 9 times मिरर में देख के वेरोनिका का नाम लेना है। सो लेट्स स्टार्ट। वेरोनिका, 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 वेरोनिका,
गाइस, अगर आपको कुछ भी कैमरा में दिखता है ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ है, बट मैं देख रही हूँ अगर मिरर पे कुछ ऐसा दिखता है तो। वेरोनिका, क्या तुम यहाँ पे हो? तो प्लीज मेरे सामने आओ। पता नहीं गाइस, अचानक से ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। आई थिंक कि कुछ यहाँ पे है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी स्पिरिट या कुछ भी ऐसी बुरी चीज़ें आपके आसपास होती है ना, तो आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं। फिर से उसके नाम को पुकार के देखते हैं। वेरोनिका, क्या तुम यहाँ पे हो? वेरोनिका, क्या तुम यहाँ पे हो? गाइस, मुझे भी ऐसा लगा कि किसी ने मेरे ऐसे कंधे पे हाथ रखा। माय गॉड, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे बिल्कुल ऐसा लगा। आई डोंट नो, कैमरा में ऐसा कुछ दिखा कि नहीं। बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी। आवाज सुनाई दी? हार तो मैं बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, फिर से ट्राई करती हूं। वेरोनिका, 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 वेरोनिका। वेरोनिका, अगर तुम आसपास हो तो प्लीज कुछ ऐसा करो ताकि मुझे समझ आए कि तुम यहाँ पे हो। वेरोनिका, क्या तुम यहाँ पे हो? आई थिंक कि कुछ यहाँ पे है गाइस। मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है अभी, एंड मेरे हाथ बिल्कुल एकदम ठंड हो रहा है, पता नहीं कैसे। मैं कुछ तो महसूस कर सकती हूँ कि कुछ तो है यहाँ पे, कोई एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा घुटन सी महसूस हो रही है अभी। सो गाइस, मैं यहीं पे गेम को स्टॉप कर रही हूँ। गाइस, मैं तो बस आपको ये बता सकती हूँ कि मुझे एक टाइम के लिए ऐसा लगा कि किसी ने मेरे कंधे पे ऐसे हाथ रखा। ऐसा होता है ना कि हम जब किसी को बुलाते हैं तो ऐसे हाथ रख के ऐसे बुलाते हैं, बिल्कुल वैसा ही फील हुआ कि किसी कोई मुझे ऐसे मतलब मुड़ने के लिए बोल रही है। हो सकता है कि ये बहम हो, बट इतना प्रोमिनेंट टच मैंने आज तक फील नहीं किया। मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूँ, आई डोंट नो। बट ये बहुत ज़्यादा खतरनाक था। कोई भी इस गेम को अगर खेलता है तो बिल्कुल रिस्पेक्ट दे के ही खेलना है। शायद ये खतरनाक हो सकता था अगर मैं किसी भी तरीके से स्पिरिट को मतलब वेरोनिका को डिसरिस्पेक्ट करती, तो शायद पता नहीं अभी भी क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने उसको गुड बाय भी नहीं बोला। मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी मेरे बहुत सारे गेम्स ऐसे खेले हैं, एंड ये गेम ना काइंड ऑफ ब्लडी मेरी टाइप का ही है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को मिनिमम 5K लाइक्स कर देना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।